Good morning, Standard 12. Welcome to e-learning class. We were discussing Einstein's photoelectric equation from the chapter 12, Nature of Matter and Radiation. Okay? तो आज थोड़ा सा और कुछ हम डील करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज. ठीक है, नेक्स्ट एक नया चैप्टर होगा, स्टार्ट होगा. ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखे भी थे. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक्स कॉन्स्टेंट determination of Planck's constant from Einstein's photoelectric equation. प्लांक्स कॉन्स्टेंट H, प्लांक्स कॉन्स्टेंट क्या है, H 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स होता है. H होता है प्लांक्स कॉन्स्टेंट. Using Einstein's relation, this Planck's constant value is determined graphically. ठीक है, देखिए यहाँ पे we know ये एक important question है, how will you determine Planck's constant? Okay, from Einstein's photoelectric equation experimentally. ये एक experimental determination of H है, ये constant है. प्लांक्स कॉन्स्टेंट क्या है, ये कॉन्स्टेंट है. ठीक है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड इसका वैल्यू है. ठीक है, ये एनर्जी ऑफ ए फोटोन या फिर एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं. ठीक है, H इज द प्लांक्स कॉन्स्टेंट. एक फोटोन का एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू हम लिखते हैं. तो यहां पे H जो है प्लांक्स कॉन्स्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, और वही प्लांक H का वैल्यू ये है. ठीक है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन जो हम लिखे थे लास्ट टाइम, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन H nu is equal to, phi naught plus half mv square. ठीक है, phi naught plus half mv square. तो इसको हम half, ये v maximum है, half m V max square is equal to H nu minus phi naught, ऐसे लिखा जा सकता है इसको. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन. ठीक है, और यही काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं कि जितना काइनेटिक एनर्जी में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, जिस काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर E है, दो पोटेंशियल के, दो प्लेट के बीच में अगर पोटेंशियल V है,
ठीक है, तो ये जितना ये जिस काइनेटिक एनर्जी में जाएगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों प्लेट के बीच में बनाएगा, क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट अप ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वही कहीं ना कहीं दोनों प्लेट के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, और एक दूसरी बात है कि जैसे हम कहते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है यही काइनेटिक एनर्जी है और दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी। तो इलेक्ट्रॉन जो वर्क डन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का जो अपना एनर्जी है एंड दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी। तो ये यहां पे इसको हम ई इंटू वी नॉट लिख सकते हैं, वी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो एच यू माइनस फाइ नॉट। ठीक है, तो ये है, इसी से अब निकल जाएगा प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम हाफ एम वी स्क्वायर के बदले ई इंटू वी नॉट लिखे, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, इसको मिटा देते हैं। सो दैट इंप्लाइज वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाइ नॉट बाई ई। ठीक है, तो वी नॉट देखिए, वी नॉट इज इक्वल टू ये ई इधर डिवाइड कर दिए एच बाई ई इंटू न्यू फाइ बाई ई। ठीक है, ये देखिए दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू, इतना तक आप लिख लीजिए, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। हम हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट लिखा, फिर हाफ एम वी स्क्वायर के बदले ई इंटू वी नॉट लिखे एच न्यू माइनस फाइ नॉट लिख दिए। ठीक है, देखिए दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू This equation is similar to the equation of a straight line. ये स्ट्रेट देखिए, इसका ये जो y इंटरसेप्ट है, ठीक है, इनफैक्ट ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में है और ये c जो है ये इंटरसेप्ट है, यहां पे माइनस फाइव बाई ई जो है ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो ये c जो है ये इंटरसेप्ट हो गया। तो ये y है, ये m इज द स्लोप, ये क्या है, ये स्लोप है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया एक्सपेरिमेंटली, इसको आइंस्टाइन इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया और एक ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। कल जो मैं बता रहा था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है एंड द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद ये ग्राफ वाई एक्सिस में जितना इंटरसेप्ट ले लेगा, ठीक है, वाई एक्सिस को जितना डिस्टेंस में ये क्रॉस करेगा ये इंटरसेप्ट इसको कहते हैं। ठीक है, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, और यहां पर जो स्लोप आया, यहां पर जो इसका स्लोप है, ठीक है, ये थीटा हम कह सकते हैं। ठीक है, स्लोप को हम टेन थीटा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप बनेगा वो हम क्या कह सकते हैं, टेन थीटा। ये यहां पर थीटा है, क्या है ये थीटा है। तो यहां पे
A graph is plotted between mu and v naught, frequency and stopping potential. Frequency and stopping potential. The nature of the graph is a straight line the nature of the graph is a straight line ठीक है और यहां पे द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय यहां पे जैसे m ठीक है ये क्या हो जाएगा tan थीटा ठीक है इज इक्वल टू एच बाई ई टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई ई ठीक है तो इसको अगर हम नाम दे देंगे ए बी सी और ये डी और ये ओ है ठीक है यहां पे एक टेन थीटा जो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा ठीक है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए सी बाई BC is equal to H by E, ठीक है? So that implies H is equal to slope into E, tan theta into E, ठीक है? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, tan theta into E. तो ग्राफ प्लॉट करके इससे थीटा निकाल लेना है, ग्राफ से तो थीटा निकल जाएगा, ठीक है? और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट तो ग्राफ निकाल के हम लोग स्लोप अगर निकाल देते हैं ग्राफ का कोई भी ग्राफ बनाएंगे वो अगर एक्स एक्सिस को सर्टेन एंगल से इंटरसेप्ट करता है तब तो थीटा तो निकल ही जाएगा स्लोप निकल जाएगा टेन थीटा ठीक है टेन थीटा को निकालने का ज्योमेट्रिकल मेथड है एसी बाई बीसी हो जाएगा इस केस में ठीक है तो वो निकल जाएगा तो आपका ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट ठीक है इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.9 × ठीक है 10^(1.6×10^-19) जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो ये आपको इसका मतलब है कि हमारे पास जो यह एच इज इक्वल टू स्लोप इनटू ई ठीक है तो बाय डिटरमाइनिंग determining the slope from the graph we can determine the value of Planck's constant Planck's ठीक है फ्रॉम द above फॉर्मूला ये हो गया Planck's constant इज इक्वल टू स्लोप इन टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है फ्रॉम द above फॉर्मूला ठीक है बाई डिटरमाइनिंग द स्लोप फ्रॉम द graph we can determine the value of Planck's constant from the above formula is formula se hum log Planck's constant determine kar sakte hain theek hai ye ek important question hai how will you determine the value of Planck's constant using Einstein's photoelectric equation
ठीक है, ये बहुत ही इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डील किया है, ठीक है, इसको जरूर आप लोग नोट्स बनाइएगा, यू शुड मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है, फ्रॉम दिस, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उस पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं, और एक एक फोटोन का एनर्जी क्या है, ठीक है, एच न्यू, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन हम कह सकते हैं, इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए फोटोन इज एच न्यू, एक फोटोन का एनर्जी क्या है, एच न्यू, एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। नंबर टू, देखिए ये वेव है, ये एनर्जी पैकेट है, ठीक है, इसको रेस्ट में कहेंगे, रेस्ट में इसका मास नहीं है, ठीक है, ये मूव करेगा बाय कैरिंग एनर्जी एच न्यू, ठीक है। तो असल में ये पार्टिकल है नहीं, हम लोग उस एनर्जी पैकेट को पार्टिकल जैसा मान रहे हैं, बिकॉज इट बिहेव्स, इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, अदरवाइज इसका मास नहीं है, ठीक है, इसलिए द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज जीरो, इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है, द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज जीरो, द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज जीरो। इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, दो फोटोन अगर कोलाइड करेगा तो जिसे पार्टिकल अगर कोलाइड करता है तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये पार्टिकल जैसा बिहेव करता है लाइट भी, तो दो फोटोन अगर कोलाइड करेगा, ठीक है, दो ये एनर्जी पैकेट अगर कोलाइड भी करते हैं, दो अलग अलग कलर का फोटोन, तो उस कोलिजन में एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इन्हें फोटोन पार्टिकल कोलिजन द एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, द एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, ये तीन प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, फोटोन्स आर ओके, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इट एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, ठीक है, एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ठीक है, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। यू जस्ट नोट डाउन दिस फोर पॉइंट्स, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स।